नमस्ते दोस्तों, मैं सुखचैन सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ एंड्रॉयड वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 अपकमिंग गेम्स फॉर एंड्रॉयड, मतलब आने वाले कुछ एंड्रॉयड गेम्स की बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी शानदार होने वाले हैं। सारे गेम्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब जो एंड्रॉयड का फ्यूचर है ना भाई गेमिंग के लिए वो काफ़ी सही रहेगा। लेकिन यार वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, ये वाला वीडियो 18 तारीख को आ जाना चाहिए था, लेकिन आप सभी को याद ही होगा कि 18 तारीख को भाई पबजी प्रीस्टर के लिए आ गया था, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया, इसलिए ये वाला वीडियो थोड़ा सा आगे चला गया। वीडियो ऑलमोस्ट रेडी था लेकिन फाइनली आपको आज ये वाला वीडियो वो देखने को मिल जाएगा भाई। और अगर आप किसी भी गेम के लिए एक्साइटेड हो ना जो कि आने वाले हैं, कोई भी गेम पसंद आता है इनमें से लिस्ट में से, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चल सके कि भाई कौन कौन से ऐसे एंड्रॉयड गेम्स हैं जो कि आने वाले हैं और काफी जबरदस्त है। कुछ बैटल वाले हैं, कुछ एडवेंचर वाले हैं, मतलब बहुत जबरदस्त गेम है वो आने वाले हैं। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा सबसे पहला गेम आता है उस गेम का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। आप सभी को याद होगा जब पीसीपी गेम आया था एक अलग से भी लॉन्च किया गया था और गेम के अंदर भी इंक्लूड था, इसके लेके काफी सारे कंफ्यूजन है भाई कि मोबाइल के लिए इसका क्या सीन होने वाला है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जो ऑलरेडी है उसके अंदर ऐड किया जाएगा ये वाला मैप वॉरजोन एक अलग से ऐड कर दिया जाएगा या फिर एक अलग से गेम लॉन्च किया जाएगा। देखो इसके बहुत सारे लीक्स निकल के आ चुके हैं कि ऑलरेडी टीम काम कर रही है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के ऊपर, टीम हायर कर रहे हैं, लेकिन भाई अभी बहुत सारे कंफ्यूजन है कि ऑलरेडी गेम में आएगा या फिर अलग से आएगा, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यहां तक मेरे को लगता है कि शायद इसको अलग से लॉन्च करेंगे, जो कॉल ऑफ ड्यूटी ऑलरेडी मोबाइल जो चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा, उसमें जॉम्बीज मोड, बैटल रॉयल मोड, इसके अलावा प्लेयर वर्सेस प्लेयर मोड देखने को मिलते हैं, लेकिन वॉरजोन में शायद सिर्फ आपको बैटल रॉयल मोड ही देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री होगा। तो ज्यादा टेंशन, मतलब बिल्कुल फ्री गेम रहेगा, आप इसको फ्री में डाउनलोड करोगे जब आएगा, लेकिन अभी सिर्फ लीक्स निकल के आए, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि अलग से लॉन्च करना चाहिए या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर इंक्लूड करना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा दूसरा गेम आता है उस गेम का नाम है आवर प्लैनेट। ये गेम अभी कमिंग सून है, वैसे इसके बहुत सारे बीटा एक्सेस गेम प्ले आपने शायद चेकआउट कर ही लिए होंगे, लेकिन इसका जो गेम प्ले है वो काफी मजेदार है। यहां तक मेरे को पता चला ये गेम ऑनलाइन होगा, अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। ये एक सर्वाइवल गेम होने वाला है जिसपे आप एक प्लेनेट के ऊपर होते हो और वहां से रिसोर्स इकट्ठे करते हो और अपने सर्वाइव करने के लिए भाई अपना कैंप लगाते हो, घर बनाते हो अलग अलग से, मतलब बहुत सारी चीजें क्राफ्टिंग देखने को मिलेगी और साथ में एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे एनिमीज भी होंगे जिनको आप मारोगे। लेकिन जो प्लेनेट की लोकेशन दिखाई गई है काफी कलरफुल सी, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो भाई इस कलरफुल प्लेनेट के ऊपर सर्वाइव करने में काफी मजा आएगा और साथ में दोस्त खेल रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अनरियल इंजन 4 के ऊपर बना हुआ है तो नो डाउट ग्राफिक्स क्वालिटी काफी जबरदस्त है। यहां पे आप अभी इसका ट्रेलर देख रहे हो, लेकिन अगर आप इसके गेम प्ले देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा गेम प्ले होने वाला है। काफी एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जो वेपन्स होंगे आपके तो खेलने में काफी मजा आएगा, बहुत सारे क्रिएचर्स भी होंगे जिनसे फाइट होगी। बाकी आपको सर्वाइवल गेम कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा थर्ड गेम आता है उस गेम का नाम है ओडिन वलहला राइजिंग। ये गेम अभी कमिंग सून है भाई, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। अगर मैं बात करूं इसको किसने डेवलप किया तो वो है लायन हर्ट स्टूडियो और पब्लिश्ड होगा ककाओ गेम्स की तरफ से। लेकिन भाई यहां पे बता दूं रिलीज डेट जो इसकी है वो जून 2021 साउथ कोरिया में होगा, हमारी कंट्री के लिए मतलब ऑफिशियल ग्लोबल तौर पे लॉन्च नहीं होगा। लेकिन यहां पे आप इसका ट्रेलर चेकआउट कर सकते हो जो कि काफी ऑसम लग रहा है और यहां पे नॉर्स माइथोलॉजी भाई होगी तो काफी मजा आएगा, मतलब बहुत तगड़े तगड़े बॉस बैटल देखने को मिलेंगे आपको। ऑलरेडी नॉर्स माइथोलॉजी के ऊपर कुछ गेम एंड्रॉइड के ऊपर आ चुके हैं जो कि काफी जबरदस्त है और उनमें से ये भी एक बनने वाला है भाई, यहां पे आप देख सकते हो। और यहां पे आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, आप काफी एक्सप्लोर कर सकते हो और साथ में नए नए वेपन्स अटैचमेंट करने होंगे, जैसे आपने अभी जेंशिन इंपैक्ट खेला था ना वैसे ही ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन ग्राफिक्स क्वालिटी वो थोड़ी एनिमे स्टाइल में थे, लेकिन इसकी काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी भाई, नो डाउट, तो काफी मजा आएगा। और इनके प्ले स्टोर के और ऐप स्टोर के लिंक आ चुके हैं, लेकिन अभी हमारी कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं दिखा रहे और साउथ कोरिया के लिए नेक्स्ट मंथ है वो लॉन्च होने वाला है। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा फोर्थ नंबर पर गेम आता है वो है मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन। ये गेम भी अभी कमिंग सून है, हम सभी को पता होगा काफी टाइम से यार ये वाला गेम अभी कमिंग सून में पड़ा है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके आप इसके लिए प्री रजिस्टर कर सकते हो भाई, इजी रहेगा, आपको प्री रजिस्टर रिवॉर्ड्स भी शायद देखने को मिल सकते हैं, नॉट कन्फर्म। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जिन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया था वो तो सिनेमेटिक ट्रेलर था, गेम प्ले का नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफी जबरदस्त, आपको मोस्टली सारे सुपर हीरोज है वो देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपका फेवरेट होगा, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, थोर, जिससे भी आप खेलना चाहते हो भाई इस गेम में आप खेल पाओगे। और यहां पे आपको कैंपेन मोड देखने को मिलेगा। काफी लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद ये वाला गेम है वो ओपन वर्ल्ड होने वाला है। देखो इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है मेरे को, लेकिन भाई यहां पे जो ट्रेलर है उस हिसाब से तो स्टोरी मोड जो आपको देखने को मिलेगा वो काफी जबरदस्त होगा, अच्छे खासे फाइट सीन देखने को मिलेंगे और इतने ज्यादा सुपर हीरोज होंगे तो भाई उनकी पावर्स अलग अलग हैं, वो यूज करने में और भी मजा आएगा। हालांकि अभी तक जितने मार्वल के गेम आए हैं कुछ फाइटिंग वाले गेम तो अच्छे हैं, लेकिन जो दूसरे कैंपेन वाले आ रहे हैं वो इतने खास नहीं है। हो सकता है भाई ये वाला गेम जबरदस्त बना दे, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा फिफ्थ नंबर
लोगों पर गेम आता है वो है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। भाई इस गेम के बारे में शायद आप सभी को पता है, पबजी का नाम चेंज हो चुका है, ऑलरेडी प्ले स्टोर के लिए आ चुका है, जाके प्ले स्टोर पर सिंपली प्ले स्टोर करो और उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी को पता है कि गेम में क्या होने वाला है, बैटल रॉयल कंसेप्ट है, प्लेयर वर्सेस प्लेयर वाले मैच देखने को मिलेंगे, यार कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है इस गेम के बारे में। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है या मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था वो भी चेकआउट कर सकते हो, बस उसके जाके प्ले स्टोर कर लो ताकि आपको जल्द से जल्द गेम मिल जाए। दोस्तों लिस्ट पर जो हमारा 6 नंबर पर गेम आता है वो एपेक्स लेजेंड मोबाइल। ये भी गेम अभी कमिंग सून है लेकिन इसका बीटा स्टेज आया था इंडिया में, आप सभी को याद होगा। अभी शायद सिंगापुर में भी इसका बीटा स्टेज है वो चल रहा है, लेकिन भाई इसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आप यहाँ पे गेम प्ले ही चेकआउट कर रहे हो, देख सकते हो काफी जबरदस्त है। हालांकि मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया है गेम प्ले की, अगर आप सिर्फ गेम प्ले देखना चाहते हो साउंड के साथ तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी किस किस को एपेक्स लेजेंड का मोबाइल पोर्ट है वो पसंद आया, मेरे को तो नो डाउट काफी जबरदस्त लगा, गेम प्ले पूरा फन होने वाला है, गेम प्ले में तो काफी मजा आता है, लेकिन जो ग्राफिक्स क्वालिटी है उसको लेके काफी लोग अभी कंफ्यूज है, इतनी खास नहीं है। देखो अभी बीटा स्टेज में है, थोड़ा सा वेट और करो, ग्राफिक्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे भाई, ये जस्ट एक स्टार्टिंग है तो काफी जबरदस्त ग्राफिक्स है वो देखने को मिलेंगे। इन्होंने शायद इस वजह से रखे हो कि सभी डिवाइसेस के लिए कंपेटेबल हो, हालांकि डिवाइसेस का इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। बाकी आपको एपेक्स लेजेंड कैसा लगा, आप इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 7th नंबर पर गेम आता है वो है प्रोजेक्ट फाइटर। ये भी गेम अभी कमिंग सून है जो कि टेंसेंट गेम्स की तरफ से आ रहा है। भाई आप सभी को एनिमे गेम्स को पता है, नारुतो का भी एक आया था टेंसेंट की तरफ से, बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट के ऊपर अब आ रहा है भाई वन पीस का, मंकी डी लूफी जिसका मेन करेक्टर आप सभी को पता है जोरो है, बहुत सारे करेक्टर्स हैं अगर आपने यार एनिमे देखा है ये वाला। तो यहाँ पे आपको इसका एक फाइटिंग गेम है वो मोस्टली देखने को मिलेगा, हालांकि कैंपेन मोड देखने को मिलेगा, स्टोरी मोड चलेगी, जैसे अगर आपने नारुतो वाला खेला है ना जो टेंसेंट की तरफ से आया था, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट के ऊपर गेम प्ले बनाया गया है। गेम प्ले भी सिमिलर है थोड़ा सा, लेकिन जो फाइटिंग स्टाइल है वो करेक्टर्स है वो अलग अलग रहेंगे, तो फाइटिंग करने में काफ़ी मजा आएगा और साथ में आपको स्टोरी मोड देखने को मिल रहा है और बीच में हाई क्वालिटी कटसीन देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी जबरदस्त है। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, अगर आपने ये वाला एनिमे नहीं देखा तो भाई जाके पहले एनिमे देखना, उसके बाद इनके कोई भी गेम्स खेलना, कोई भी एनिमे हो, क्योंकि यार भाई मतलब जितने गेम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स होते हैं, तो अगर आपने वो एनिमे नहीं देखा तो आपका काम थोड़ा सा खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो प्लीज़ पहले एनिमे ज़रूर देखना, उसके बाद गेम को ज़रूर ट्राई करना। अभी कमिंग सून है, यहाँ पे गेम प्ले मोस्टली हमें ट्रेलर में देखने को मिल ही जाता है जो कि काफ़ी जबरदस्त है। बाकी आपको एनिमे गेम्स कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 8th नंबर पर गेम आता है वो है बैटलफील्ड मोबाइल। आप सभी को याद होगा रिसेंट एक अनाउंसमेंट हुई थी कि बैटलफील्ड मोबाइल के लिए आ रहा है, वो सिर्फ एक लीक ही था लेकिन कुछ कन्फर्मेशन तो नहीं है, मतलब ऑफिशियल रिसोर्स है। हालांकि जो वेबसाइट बता रही है ना वो काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे लीक्स वो पहले भी बताते रहते हैं, तो यहाँ पे बैटलफील्ड का भी लीक निकल गया है कि बैटलफील्ड मोबाइल आपको प्ले स्टोर के एंड्रॉयड के ऊपर देखने को मिलेगा, साथ में iOS के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि बैटलफील्ड का कोई ज़बरदस्त टाइटल हमें देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बैटलफील्ड का एक टाइटल आया था जो कि काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं कि बैटलफील्ड हमें बैटल रॉयल में देखने को मिलेगा या फिर कैंपेन मोड देखने को मिलेगा। देखो ज़्यादातर चांसेस तो ये हैं कि आपको बैटल रॉयल मोड देखने को मिले क्योंकि आज की डेट में वही पॉपुलर चल रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें कैंपेन मोड देखने को मिले तो भाई एक अलग ही मज़ा आ जाएगा, एक अलग से गेम लॉन्च कर देंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि बैटल रॉयल होगा या कैंपेन मोड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों लिस्ट पर जो हमारा 9th नंबर पर गेम आता है वो है फॉल गाइस मोबाइल। मेरे को पता है भाई आप सब काफ़ी कमेंट करते हो कि भाई फॉल गाइस मोबाइल कब आएगा एंड्रॉयड के लिए या फिर iOS के लिए। देखो यार इनके बारे में कोई भी लीक्स है वो निकल के नहीं आ रहे, हालांकि 2020 में ज़रूर लीक्स निकल के आए थे कि भाई ये चाइना में लॉन्च होगा फर्स्ट, ये वाली कंपनी बना रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा भाई, अभी तक चाइना में भी नहीं आया, किसी कंट्री में भी नहीं आया, कोई लीक तक नहीं है, ना ही कोई बीटा स्टेज देखने को मिल रहा है, सिर्फ इतना कन्फर्म है कि फॉल गाइस मोबाइल आएगा। देखो अगर आना चाहिए तो भाई इनको इस साल के अंदर लॉन्च कर देना चाहिए, अगर इससे डिले करते हैं गेम ऑलरेडी थोड़ा सा बिट रहा है तो भाई मोबाइल पे आने के बाद भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा ये वाला गेम। बाकी आपको क्या लगता है कि इस साल लॉन्च कर देना चाहिए या नहीं, और आप अगर आप खेलना चाहते हो तो आप स्टंबल गाइस ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 10th पोजीशन पर गेम आता है वो है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। आप सभी को याद होगा अभी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है और ये 100% कन्फर्म है कि द लॉर्ड ऑफ रिंग्स का गेम आपको मोबाइल के लिए देखने को मिलेगा, लेकिन जैसा आप ट्रेलर देख रहे हो भाई ये वाला गेम नहीं देखने को मिलेगा। पहले बता दूं सिर्फ एक सिंगल इमेज निकल के आई है जिसमें एक रिंग पड़ी है, और यहाँ पे जो स्ट्रेटजी बेस्ड गेम होने वाले हैं जैसे आप खेलते हो ना क्लैश ऑफ क्लैंस, इसके अलावा बहुत सारे गेम्स हैं, कुछ वैसे कंसेप्ट वाला लॉर्ड ऑफ रिंग्स लेके आ रहे हैं। हालांकि स्टोरी मोड लेके आते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता, बाकी स्ट्रेटजी बेस्ड भी काफी गेम पॉपुलर होते हैं। अगर आपको क्या लगता है कि लॉर्ड ऑफ रिंग्स में ऐसा कोई गेम आएगा, आप खेलोगे या नहीं, इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मेरे को पता है इसके अलावा और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो कि कमिंग सून है भाई, जैसे फाइनल फैंटेसी का बैटल रॉयल है, इसके अलावा डेविल मे क्राई ऑलमोस्ट आ भी चुका है लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं भी आया, तो बहुत सारे ऐसे गेम्स है भाई,
लेकिन कुछ ही 10 ही कवर कर सकता था यहाँ पे। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।